नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार। फॉर्म एलिमेंट्स चल रहे थे, हमारे इनपुट एलिमेंट्स चल रहे थे, कुछ और फॉर्म एलिमेंट्स हम करते हैं। सबसे पहले है हमारा टेक्स्ट एरिया। हमें कई बार एक बड़ा टेक्स्ट एरिया लिखना होता है, ये हमारा पिछला प्रोग्राम है इसकी। हमें बड़ा टेक्स्ट एरिया जिसमें आदमी मैसेज वगैरह कुछ यूजर अपना डाल सके वैसा लेना है, अगर ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं मेन, रोज एंड कॉलम्स। आप कितनी रो और कितने कॉलम्स का टेक्स्ट एरिया चाहते हैं, तो आप रो ले लें। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रो 10 रोज़ का, और कॉलम्स ले लिए मैंने 10 कॉलम्स का। रोज़ कम कर देता हूँ मैं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। तो यहाँ पे कोई भी यूज़र अपना टेक्स्ट लिख सकता है, स्क्रॉल कर सकता है आराम से। उसके बाद जो बटन है, क्लिक बटन, वो बटन देखते हैं हम। जैसे हमने इनपुट टाइप लिया था वैसे हम बटन भी ले सकते हैं। ये है देखिए बटन, बटन में आप कंटेंट डाल सकते हैं बटन का। ये लीजिए बटन, वैसे ही आपके फॉर्म को ये सबमिट करेगा बटन। क्लिक इवेंट इस पे लगा सकते हैं हम बटन पे, ऑन क्लिक, ऑन क्लोज, जो भी इवेंट्स वगैरह जो जावा स्क्रिप्ट में हम इवेंट्स वगैरह देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक लगाता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, और इसके ऊपर मैं कुछ बॉक्स लगा देता हूँ, मैं अलर्ट बॉक्स। ये हमने बटन लगा दिया, उस पर अलर्ट बॉक्स लगा दिया एक, ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बटन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आगे प्रोग्रामिंग और कुछ भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो ला लूँ तो उनको अपडेट्स मिल जाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।